आपके साथ। पूर्णिया में 9वें दिन भी जारी है आवास कर्मियों का हड़ताल। सरकार के वादा खिलाफी को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है कर्मी। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के आह्वान पर चल रहा है धरना। आश्वासन के बाद भी नहीं बढ़ा मनोदय। इन कर्मियों की नियमितीकरण सेवा मुक्त किए गए कर्मियों का पूर्ण नियोजन तथा एनी मूलभूत सुविधाओं की है मांग। सरकार की योजनाओं बाधित होने पर उठ रहे हैं सवाल। सरकार को दी खुली चेतावनी, अगर आवास कर्मियों की मांग को पूरा नहीं किया तो लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। बिहार के राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के आह्वान पर सभी आवास कर्मी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास लेखा सहायक तथा ग्रामीण आवास सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। गत 25 अक्टूबर से ये कर्मी सरकार के वादा खिलाफी को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इन कर्मियों की माने तो पूरे बिहार में गरीबों के लिए आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना बाधित है, जबकि सरकार इन मामलों को लेकर गहरी नींद में है। ये आवास कर्मी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मानो सरकार को गरीबों व संविदा कर्मियों से कोई लगाव नहीं। इन कर्मियों की मुख्य मांगों में सेवा नियमितीकरण, मनोदय वृद्धि आवास कर्मियों पर दंडात्मक प्रशासनिक कार्यवाही के खिलाफ सेवा मुक्त किए गए आवास कर्मियों का पूर्ण नियोजन, इसके अलावा एनी मूलभूत सुविधाएं शामिल है। संघ की पूर्णिया जिला इकाई द्वारा हड़ताल कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। सरकार को हड़ताल के मंच से इन कर्मियों ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार आवास कर्मियों की मूलभूत सुविधाओं के मांगों को पूरा नहीं करेगी तो ये कर्मी आर पार की लड़ाई को तैयार है। इन कर्मियों का ये भी आरोप है कि विभाग द्वारा मूल कार्यों से हटकर इनसे कई अलग तरह के काम कराए जाते हैं और विभाग द्वारा मांगों के बदले सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। देखिए, हम सभी बिहार के जितने भी आवास कर्मी पर्यवेक्षक और लेखा सहायक हैं, 2014 मार्च में हम लोग की नियुक्ति हुई थी, लेकिन अभी ये 2018 नवंबर चल रहा है, तब से लेकर के अभी तक हमारे मानदेय में एक रुपये की वृद्धि नहीं हुई, जबकि और भी विभाग है उन सब में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की गई। और दूसरा मांग है कि हमारा जो नियमितकरण हो, हमने 5 वर्ष तक सरकार का सेवा दिया हम लोग सभी मिलजुल करके, और जो अभी देखने को मिल रहा है कि पंचायत में जिस भी लाभुक को हम लोगों ने आवास मुहैया कराया है, 100% तो नहीं लेकिन 75% हम लोगों ने उस पर पुरजोर कोशिश करके काम किया है। तो सरकार से हमारी यही एक विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग की भी समस्या को देखते हुए हम लोग का जो उचित मानदेय है उसको देने की कृपा की जाए। जी, ये कई दिन का धरना, एक दिवसीय धरना नहीं, ये हमारा 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन है, जब तक कि हमारा ये मांग पूरी ना। कितना दिन हुआ आज आप लोग को हड़ताल पर बैठे हुए? 9वां दिन, आज 9वां दिन हम लोग का। क्या लगता है मांगे पूरी हुई आप लोग? देखिए, हम लोगों ने आरजू मिनती सरकार से, अपने मीडिया बंधु के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी मांगों तक पहुंचा रहे हैं और आशा करते हैं कि सरकार हम लोगों के मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और निश्चित रूप से पूरे जिला में कितने आप लोग कर्मचारी हैं? हम लोग पूरे जिला में 140।